नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त ने मोटरसाइकिल रैली को किया रवाना, लोगों को किया जाएगा जागरूक। शहर की सशक्त महिला अनीता खंडेलवाल महिलाओं व युवतियों को निःशुल्क स्कूटी का देती है प्रशिक्षण, बना रही है सशक्त। और शहर में टूसू व लोहरी की रही धूम, शहरवासियों ने परिवार संग मनाई खुशियां। और अब खबरें विस्तार से। 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत उपायुक्त ने मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया, जिसके मद्देनजर बाइक सवारों को यातायात नियम व हेलमेट पहनने के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। आपको बताते चलें कि आज के समय में शहर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, जिस पर रोक लगाने को लेकर लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए उपायुक्त ने कार्यालय से बाइक रैली को रवाना किया, जो लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन के क्रम में जैसे प्रारंभ किया था, तो हम लोगों ने एक जागरूकता रथ के साथ प्रारंभ किया था और उसी कड़ी में आज मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं उनके बीच में हेलमेट के प्रयोग और यातायात के क्रम में यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में जागरूकता लाई जा सके। और अब बात करेंगे जमशेदपुर की एक ऐसी सशक्त महिला की, जो सर्दी व गर्मी की छुट्टियों में महिलाओं व युवतियों को निःशुल्क स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण देती हैं। जी हाँ, जिनके प्रशिक्षण के बाद आज शहर की महिलाएं व युवतियां अपना सफर खुद तय करने में सक्षम हैं। आज के इस महंगाई के दौर में घर घर में महिला व पुरुष ना कमाए तो शायद घर चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में हर घर की महिलाएं आज घर की दहलीज को पार कर बाहर की जिंदगी से हर दिन दो चार हो रही हैं और इनके सामने कई समस्याओं का सामना भी इन्हें करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आती है यातायात की, जिसके लिए उनके घर के एक सदस्य को हमेशा उनके साथ रहना होता है या फिर उन्हें ऑटो बस और रिक्शे का इंतजार करना पड़ता है, जहाँ सबसे बड़ा नुकसान उनका उनके समय का होता है। इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर खुद में सशक्त अनीता खंडेलवाल ने महिलाओं व युवतियों को निःशुल्क स्कूटी चलाने के प्रशिक्षण के बारे में सोचा और आज उनके सोच ने कई युवतियों व महिलाओं को उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। कितने दिनों से आप यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं स्कूटी? मैं एक मंथ हो गया। एक मंथ, हाँ। अभी आप अच्छे से चला पा रही हैं? हाँ। यहाँ आके क्या लगा आपको? मैम सिखाती बहुत अच्छे से है और बाहर निकलना होता है तो बाहर भी निकलने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है वो सब अच्छे से बताती हैं, तो इजी होता है बाहर निकलना और चलाना। मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन था कि मैं स्कूटी सीखूं, तो वो मेरा पूरा होने वाला अब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरुचि अग्रवाल है। यहाँ आके हमको लगा कि जो हमको साइकिल भी चलाना नहीं आता था, आंटी मेरे को उतना ट्रेन कर सकी कि हम अब स्कूटी चला सकते हैं। एंड आंटी बहुत एम्पावरमेंट दे रही लड़की लोगों को, ताकि वो लोग अपने खुद के लिए स्टैंड कर सके। यानी कि अब आप चला पा रही हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या? मेरा नाम शशि खंडेलवाल है और यहाँ हम आए हैं अनीता जी से सीखने के लिए स्कूटी। मुझे सीखते 15 दिन हुआ है और चाची इनका सिखाने का तरीका इतना इजी है, इतने अच्छे से। ये निस्वार्थ इतनी ठंड में हम लोग के लिए सुबह सुबह उठ के आती, हम लोग तो सीखने के लिए आते हैं, ये हम लोग से पहले सिखाने के लिए आती हैं, इनके लिए हम लोग बहुत। तो आज इनके बारे में पता आपको कैसे चला? ये हमारी मतलब रिलेशन में है, चाची जी हैं। अच्छा। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर के कासीडी के ऐतिहासिक मैदान में। इस मैदान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आज हम मौजूद हैं मिसेस अनीता खंडेलवाल जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये इनके अंदर जो जज्बा है वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि इतनी ठंड में जहाँ लोग बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे में इनका एक ऐसा जुनून है युवतियों को महिलाओं को स्कूटी सिखाना, ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुँच सके। आज जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में महिलाएं घर से बाहर भी निकल रही हैं, ये आप भी जानते हैं। और ऐसे में महिलाएँ अपने गंतव्य तक कैसे पहुँचें, या तो उनके साथ कोई हो या उन्हें जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, आज जिस तरह का ट्रैफिक व्यवस्था है। और ऐसे में अनीता जी जिस तरह से ये काम कर रही हैं, यह सचमुच में काबिले तारीफ़ है। जी अनीता जी, आप कितने सालों से ये प्रशिक्षण दे रही हैं? देखिए, अभी तो मेरा ये कंटिन्यू 10 साल हो गया है
वैसे हम 30-25-30 साल पहले से हमको गाड़ी चलाना आता। पहले हम शादी होकर आए तो अपने फैमिली मेंबर को, अपने घर की लड़कियों को, बहुएं को, वो लोग को ट्रेनिंग दिए। अब वो लोग चलाने लगे तो एक दूसरे को सब बोल के, भाई मेरी फ्रेंड है, किसी को कोई है बोल के कि भाई चलो वो आंटी सिखाती है, वो मैम सिखाती है, उनके पास जाके सीखिए। पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे पा रही थी। अब मेरे दो बेटे हैं, लोकेश खंडेलवाल, हर्ष खंडेलवाल, वो लोग नेदरलैंड एम्स्टर्डम में रहते हैं, दोनों पढ़ लिख के जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे दोनों। तो अब बच्चे बाहर हो गए, हम फ्री हो गए, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है हमको, तो वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा गाड़ी अप टू डेट करते हैं और गाड़ी में पेट्रोल चेक करना, मेरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम कभी किसी को मना मत करो, जितनी भी स्टूडेंट आती है तुम सबको एकदम प्यार से, प्रेम से सबको तुम सिखाओ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो देखिए आजकल का दुनिया में हर लड़की, हर लेडीज़ को अपने सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। सबके सब सिंगल फैमिली में बहुत जन रहती है, कोई बाहर जॉब करते हैं, किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं, तो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। देखिए तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर लेडीज़ अपना घर का काम, अपना काम, अपने बच्चों का काम खुद कर सके, तो उसके लिए खुद को अपने आप डिपेंडेंट होने के लिए। फिलहाल खबरों में वक्त है, छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I wanna go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. And one day years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to sing. I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids. आपके शहर में आ गया है इंडिया का मोस्ट अवार्डेड इंटरनेशनल प्री स्कूल कैंगरू किड्स। आई लव कैंगरू किड्स। एडमिशन्स ओपन फॉर टॉडलर्स, प्ले ग्रुप, नर्सरी, लोअर केजी एंड हायर केजी। विजिट कैंगरू किड्स, होल्डिंग नंबर 5, सीएट एरिया, और कॉल 6203086168। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संक्रांति के एक दिन पहले मनाए जाने वाला लोहड़ी के त्यौहार के शहर में काफी धूम देखी गई, साथ ही टुसू की धूम भी शहर में देखने को मिली, जहां लोगों के बीच लोहड़ी व टुसू पर्व बड़े ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। जहां मकर संक्रांति के एक दिन पहले खुले स्थान पर जाकर अपने परिवार, दोस्तों व आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर आग के किनारे लोग घेरा बनाकर इस पर्व त्योहार को मनाते नजर आए। वहीं टुसू पर्व की धूम भी शहर में देखने को मिली, जहाँ लोग टुसू की पूजा अर्चना की और शादी है या फिर किसी के घर में कोई बच्चा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबकी लोहड़ी करते हैं हम, तो नई फसल इसलिए हम ये लोहड़ी मनाते हैं हर साल, और इसमें हम सारी फैमिली मिलके गाना गाते हैं, फिर सबसे लोहड़ी मांगते हैं। ना गिद्दा, ढोल, धमाका, ये सब हम बहुत मिस कर रहे हैं आज, और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि जमशेदपुर में भी ऐसे पंजाब का माहौल बन जाए। कैसा लग रहा है सिस्टर आज लोहड़ी मना के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग हर साल इसी तरह लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कौर। जिस घर में लड़का पैदा होता है उस घर में लोहड़ी मनाया जाता है, प्लस जिसका नया शादी हुआ रहता है, नया शादी में पहले लोहड़ी आती है, उस घर में लोहड़ी को, त्यौहार को मनाया जाता है। ये हमारा पंजाब का कल्चर है, शुरू से ही ये कल्चर हम लोग पंजाब का, और हम लोग यहाँ पर भी उसको इसी तरह मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जामत है। ये जगह का क्या नाम है? ये रामदास भट्टा। और वहीं झारखंड में टुसू पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व में पीठा का बहुत महत्व होता है, और अगर ये पीठा पटाली गुड़ का बना हो तो फिर क्या कहना। जिस तरह से झारखंड में टुसू के आते ही खजूर के गुड़ का काफी महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही झारखंड में जंगल भी काफी तादाद में पाए जाते हैं, और यहाँ खजूर का पेड़ भी बहुत तादाद में मिलता है, जिससे निकलने वाले रस से इस गुड़ को तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध होता है।
और अब बात करेंगे पिकनिक की। जी हाँ, जनवरी का महीना हो और पिकनिक की बात नहीं हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। इसी कड़ी में जमशेदपुर से सटे चांडिल डैम में पिकनिक मनाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। चांडिल डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की वादियों को देखने के लिए लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। वहीं शहर हो या फिर बंगाल उड़ीसा ही क्यों ना हो, लोग यहाँ की वादियों को देखने के लिए जरूर एक बार आना चाहते हैं। आए और कैसा लगा चांडिल डैम? हम लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आए, आके चांडिल में अच्छा लग रहा है। पूरा पहाड़ है, नदी है और आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ प्लेस बहुत बढ़िया है, पिकनिक स्पॉट भी बहुत बढ़िया है और डेवलप हुआ है, थोड़ा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कितने लोग आए हैं? 70-80 आदमी आए हैं। 70-80 आदमी आए एक बस में। क्या नाम हुआ? शेख अतिया। चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त ने मोटरसाइकिल रैली को किया रवाना, लोगों को किया जाएगा जागरूक। शहर की सशक्त महिला अनीता खंडेलवाल महिलाओं व युवतियों को निशुल्क स्कूटी का देती है प्रशिक्षण, बना रही है सशक्त। और शहर में टूसू व लोहरी की रही धूम, शहरवासियों ने परिवार संग मनाई खुशियां। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।